नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। एक खबर है जो स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे हैं और बता रहे हैं, सर इसके बारे में बताइए क्या ये सच्चाई है, 40 आईटीआई कॉलेज का होगा निजीकरण और जो फीस है वो 480 रुपये सालाना जो अभी गवर्नमेंट आईटीआई में लगती है वो बढ़कर 26,000 फीस हो जाएगी, क्या ये खबर सच है कि गलत है? 40 आईटीआई जो हैं जिसमें 16 प्रथम चरण में और 24 द्वितीय चरण में निजीकरण होगा और जो है जो 480 रुपये लगती थी, 40 रुपये महीना लगता था, वो 26,000 फीस हो जाएगी। तो क्या ये खबर सच है या नहीं है, इस वीडियो में आज आपको यही बताऊंगा और बहुत सारे, क्योंकि ये खबर जो है इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में सच जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 480 फीस है और अगर वहाँ पर आपको 26,000 देना पड़ रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी जो है बात हो सकती है। मेरे लिए भी बड़ी बात है क्योंकि आईटीआई में 26,000 खर्च करना एक साल का बहुत मुश्किल हो जाता है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है, ये चैनल गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा चलाया जाता है। यदि इसमें जो है आपको आईटीआई इंपॉर्टेंट खबरें लेनी है या इंपॉर्टेंट अपडेट लेने हैं, चाहे एडमिशन से रिगार्डिंग, चाहे परीक्षा से रिगार्डिंग, चाहे जॉब से रिगार्डिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे प्रेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो खबर है, ये जो अखबार की खबर मेरे पास बच्चे भेज रहे हैं, आईटीआई का निजीकरण है, ये खबर जो है वो अभी की नहीं है, 2020 की खबर है ये, और उस समय ये खबर आई थी पर इस खबर पे जो है वो अभी सरकार ने मोहर नहीं लगाई है। मतलब ये है कि ये जो खबर है ये पहली बात तो 2020 की है और अभी जो 40 आईटीआई का निजीकरण होना है, इन आईटीआई का अभी निजीकरण नहीं हुआ है, पर सरकार ने इस पर निगाहें बनाई हुई है, निजीकरण कर सकती है, मगर अभी तक जो है पहली बात तो ये खबर जो है वो ओल्ड है, दो साल पहले की है और अभी इस पर अमल नहीं किया गया है। अभी जो PPP के अंतर्गत जो मतलब प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, उसको अभी इन 40 आईटीआई को नहीं किया गया है। तो ये जो खबर है ओल्ड खबर है और अभी इस पर सरकार ने अमल नहीं किया है। पूरी खबर क्या थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए पूरी खबर हिंदुस्तान टाइम्स में यहाँ पर देख सकते हैं, 40 आईटीआई का होगा प्राइवेटाइजेशन और 480 साल की फीस जो है 480 से बढ़ के 26,000 हो जाएगी और 40 आईटीआई का जो है निजीकरण के सौंपने का जो है तैयारी हो गई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे, तो ये जो है खबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खबर कब की है, तो देखिए वेडनेसडे 19 अगस्त 2020 की ये खबर है, 6:20 AM की खबर है ये, तो ये दो साल पुरानी खबर है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर 480 और यहाँ पर जो है एक ये भी आएगा कि किस पहले चरण में किस किस का प्राइवेटाइजेशन होगा, किसका निजीकरण होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले चरण की दिया है और दूसरे चरण का भी यहाँ पर आईटीआई दिए हैं, पर ये आईटीआई जो हैं वो अभी प्राइवेट नहीं किए गए हैं। 2020 की ये खबर है, तब से अभी तक सरकार ने इस पर अमल नहीं किया है क्योंकि 26,000 फीस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गरीब बच्चे जो हैं आईटीआई करने वाले बच्चे हैं उनको ये 26,000 फीस जो है ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सरकार ने शायद अमल नहीं किया है। मगर अभी भी जो है सरकार ने 4-5 ऐसे कॉलेज हैं जिनका निजीकरण किया हुआ है, उनकी भी जो है सरकारी लिस्ट है एक, उस लिस्ट को मैं दिखा देता हूँ, सरकार का ऑर्डर दिखा देता हूँ, उसके माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ। अभी जो यहाँ मैंने 40 आईटीआई बताए हैं, यहाँ पर दूसरे चरण में 24 ही है आप लोग देख सकते हैं और पहले चरण में ये 16, इनका जो है अभी जो है निजीकरण नहीं किया गया है। अगर ये आप लोगों को खबर है कि 40 आईटीआई का निजीकरण, तो ये गलत खबर है, ये अभी जो है 2020 की खबर है और अभी इस पर सरकार ने अमल नहीं किया है। अभी जो है निजीकरण में कौन कौन से आईटीआई जो हैं वो चल रहे हैं उसका मैं सरकार का ऑर्डर दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर अभी PPP मॉडल के अंतर्गत संचालित संस्थानों में जो है प्रशिक्षण के संबंध में जो है सरकार का लेटर है, प्रवेश निषेध 2022 का है ये, तो 2022 में यहाँ पर लिखा है कि पब्लिक प्राइवेट जो है पार्टनरशिप PPP के अंतर्गत निजी क्षेत्र के वेंडर द्वारा संचालित किए जाने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें तालाबपुर जो है वाराणसी है, पाटी ललितपुर है और पटियाला कासगंज है, लोनी जो है वो गाजियाबाद है, ये 5 कॉलेज जो हैं
राजा तालाब वाराणसी, पाली, ललितपुर, पटियाली, कासगंज और लोनी गाजियाबाद। इनमें आवेदित जो व्यवसाय के प्रवेशित अभ्यर्थी हैं को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण के, इसमें दोनों की सीट है, एक तो गवर्नमेंट आईटीआई की भी सीट है, उन पर गवर्नमेंट आईटीआई की जो है वो शुल्क लगेगी, और जो निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो प्राइवेट आईटीआई की भी सीट है इनमें, उनमें प्राइवेट की भांति जो है वो शुल्क लागू होगी। तो जो प्रवेश प्रक्रिया है, अगर ये पांच में अगर कोई एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पर ये पांच जो कॉलेज दिए हैं, राजा तालाब दिया है वाराणसी का, पाली, ललितपुर का, पटियाली, कासगंज का और लोनी गाजियाबाद का, ये अगर पांच कॉलेज में अगर आप चार कॉलेज हैं, इन चार कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जो है वो गवर्नमेंट वाली सीट पे ले रहे हैं कि ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत वाली सीट पे ले रहे हैं। तो आपको जब फीस जमा करने जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि आप लोग जो है किसके जो है सीट पर ले रहे हैं, क्योंकि इन चारों में गवर्नमेंट आईटीआई की भी सीट है और ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत जो निजीकरण वाली आईटीआई हैं उनकी भी सीट हैं। तो आप लोग जो है ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इनमें जो है किस पर एडमिशन ले रहे हैं। आशा करते हैं कि जो खबर है कि 40 प्राइवेट आईटीआई होंगी और जो है 26,000 फीस कर दी जाएगी, ये खबर पुरानी है और अभी तक सरकार ने इस पे मोहर नहीं लगाई है। बाकी जो चार आईटीआई जो चल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन और सरकार दोनों की मदद से, उनका नाम मैंने आपको बता दिया है। आशा करते हैं ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।